नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एची हाई स्कूल, कोट रोड, गिरडी। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान, जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरडी। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो पचम्बा रोड, गिरडी। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा, गिरडी। नगर निगम और पुलिस बल के सहयोग से शहरी क्षेत्र में भीड़ से निजात दिलाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। उपनगर आयुक्त ने किया इसका नेतृत्व। पूजा को लेकर सुबह से देर शाम तक बाजारों में है काफी चहल पहल। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत पीएसएम स्कूल में किया गया कन्या पूजन। नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए बच्चियों को खिलाया गया महाप्रसाद, भेंट किया गया उपहार। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में आईक्यूएसी के तत्वाधान में दुर्गोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हर नारी में दुर्गा विषय पर आयोजित था यह कार्यक्रम। नारी शक्ति का देखने को मिला रूप। बरवाड़ स्थित पुराना पुलिस लाइन में 31वें सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में जितवाहन उराव ने दिया अपना योगदान। कोडरमा से गिरिडीह इनका हुआ स्थानांतरण। पहले भी सदर एसडीपीओ के रूप में दे चुके हैं अपनी सेवा। और सोनबाद पंचायत की मुखिया का फर्जी हस्ताक्षर और मोहर बनाने का मामला आया सामने। बेंगाबाद मुखिया संघ ने थाना में दिया आवेदन। जल्द से जल्द दोषियों के ऊपर कार्रवाई की हुई मांग। और अब खबर विस्तार से। नगर निगम और पुलिस बल के सहयोग से शुक्रवार शाम 6 बजे से टावर चौक पर अतिक्रमण के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई। इसका नेतृत्व उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार कर रहे थे। मौके पर नगर थाना प्रभारी शालेश प्रसाद, ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रसाद महतो, अर्बन प्लानर मंजूर आलम सहित नगर निगम के अन्य कर्मी और नगर थाना पुलिस मौजूद थे। इस मौके पर जहां तहां वाहन खड़ा करने वाले लोगों को समझाया गया और आगे से गलती को नहीं दोहराने की हिदायत दी गई। वहीं ऐसे दुकानदार जो चिन्हित स्थल के अलावे स्थान को कब्जा करने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी समझाया गया। बताया गया कि दुर्गा पूजा के कारण शहरी क्षेत्र में भीड़ अधिक है, ऐसे में लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो, इसको लेकर समझाने का प्रयास किया गया। बताया गया कि यह अभियान जारी रहेगा। उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने बताया कि आगामी त्योहार को देखते हुए लोगों को समझाने के उद्देश्य से भीड़ के कारण परेशानी ना हो यह प्रयास किया गया। दुर्गा पूजा, आगामी जो दुर्गा पूजा है, दीपावली है, छठ को लेके हम लोग जो है नगर निगम के तरफ से और पूरा पुलिस प्रशासन के माध्यम से आज हम लोग जो पर्व आ रहा है उसमें लोगों को भीड़ से कैसे निजात मिले, उसके लिए एक साधारण सा एक होमवर्क किए हैं कि लोगों को उन्हें एक तरह समझिए कि लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि आप अपने दायरे में रहिए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो सके। उसी का एक है कि हमारे इंस्पेक्टर साहब, ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब और थाना प्रभारी जो हैं उनके तरफ से हम लोग एक प्रयास किए ताकि लोगों को पर्व के दौरान जो है सहायता प्रदान। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे बरगंडा के बाल शिक्षा मंदिर में कन्या पूजन करते हुए
300 छात्र छात्राओं को प्रसाद स्वरूप हलवा खीर पूरी सब्जी का भोग कराया गया। छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत यह आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को वाटर बोतल टिफिन बॉक्स तथा पेन का वितरण किया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रभाकर घोष ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं में वाटर बोतल तथा टिफिन बॉक्स मिलने से बार बार पानी पीने के लिए बच्चे क्लास से बाहर निकलते थे वो बंद हो जाएगा तथा छात्र मन लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। लायंस क्लब ऑफ किरीडी टाउन के अध्यक्ष लायन महावीर जैन तथा सचिव दीपक जैन ने बताया कि जून माह से क्लब के द्वारा चलाए जा रहे छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत कई स्कूलों के छात्र छात्राओं को भोजन के साथ वाटर बोतल का वितरण किया गया तथा भविष्य में सरकार के द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय के 5,000 छात्र छात्राओं को नाश्ता भोजन के साथ साथ सलूजा गोल्ड के निर्देशक लायन अमरजीत सिंह सलूजा के सहयोग से सेलो कंपनी का वाटर बोतल वितरण करने का तय किया गया है ताकि बच्चे शुद्ध जल का प्रयोग कर सके। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजक अनिल अग्रवाल अनुराग जालान दीपक जान अनूप तुलस्यान अमित जालान के द्वारा भोजन प्रसाद व्यवस्था अमरजीत सिंह के द्वारा वाटर बोतल संजय भुदौलिया नौ कन्याओं का वस्त्र अनुराग जालान के द्वारा नौ कन्या को गिफ्ट हैम्पर तथा स्कूल के सभी 81 छात्रों को गिफ्ट हैम्पर क्लब के द्वारा दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उपरोक्त सहयोग कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदीप टोकानिया संजय जैन महावीर जैन दीपक मोदी अनुराग जालान संजय भुटोलिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सुनील मोदी अशोक बगड़िया राहुल केडिया अंकित सरावगी अनूप तुलसियान प्रकाश कोइंका रतन गुप्ता संजय डंगाई साहिल कुमार वगैरह के साथ साथ लायंस क्लब ऑफ किरीडी सनशाइन के अध्यक्ष प्रतीक अग्रवाल कोषाध्यक्ष अक्षय केडिया सूरज टिब्रेवाल सुमित भुदौलिया अंकित भुदौलिया खुशबू टिब्रेवाल सोनल खंडलवाल आकृति केडिया प्रिया भुदौलिया मेघा भुदौलिया वगैरह उपस्थित थे। कल से चालू हो गया उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज के दिन नौ कन्याओं का पूजन किया और नवरात्र के इस पावन अवसर पर उन्हें भेंट प्रदान किया। उनको कपड़े दिए वस्त्र दिए चुनरी उड़ाई पूरा साज श्रृंगार किया और उन्हें गिफ्ट भी दिया। ये हमारा उद्देश्य है कि समाज में सनातन धर्म की प्रकाष्ठा ऊँचे स्तर पर रहे इसी चलते ये हमने दुर्गा पूजा के अवसर पर नवरात्र का काम किया। कहाँ पर ये कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम बाल शिक्षा मंदिर BSM बरगंडा में स्कूली बच्चों के लिए क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों के बीच में हमने ये कार्यक्रम किया। आज लायंस क्लब ऑफ ग्रेट टाउन के द्वारा नवरात्रा के शुभ अवसर पर हम लोगों ने BSM स्कूल में आकर यहाँ का बच्चों को प्रसाद वितरण किया। यहाँ के बच्चियों को नौ कन्याओं का पूजन हुआ जिसमें हम लोगों ने उन्हें गिफ्ट हैम्पर दिया और एक बहुत तरह के सामग्री दिया। न्यू बरगंडा रोड स्थित श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को 11 बजे IQAC के तत्वधान में दुर्गा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत प्रिंसिपल डॉक्टर मधुश्री सैन्याल ने की। कार्यक्रम का विषय हर नारी में दुर्गा था। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य कविता तथा नाटक द्वारा शक्ति दृढ़ निश्चय भक्ति तथा दंड की प्रतीक माँ दुर्गा को दर्शाया। वहीं दर्शक के रूप में बैठी छात्राओं से क्विज भी किया गया। कुल मिलाकर पूरा कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। आज के नारी शक्ति का रूप भी इस दौरान देखने को मिला। नारी शक्ति की पहचान को इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का काम किया गया। मौके पर प्रिंसिपल ने सभी छात्राओं को प्रोत्साहित की। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुनील कुमार प्रोफेसर सुशील कुमार राय डॉक्टर संजीव सिंह प्रोफेसर रेणुका साहू प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंजू प्रोफेसर दीपिका कुमारी प्रोफेशनल लक्ष्मण राम प्रदीप कुमार आदि उपस्थित थे। Thank you.
सकती हो। जैसे महिषासुर का वध हुआ था उसी प्रकार तुम इस आज कलयुग के राक्षसों का वध कर सकती हो। बरवाडी स्थित पुराना पुलिस लाइन में शुक्रवार दोपहर 12 बजे 31वें सदर एसजीपीओ के रूप में जीत वाहन उराव ने योगदान दिया। श्री उराव का तबादला कोडरमा से गिरिडीह हुआ है। योगदान देने के बाद नवपदस्थापित एसजीपीओ जीत वाहन उराव ने कहा कि सदर पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ क्षेत्र में अवैध खनन, तस्करी और अपराध पर नियंत्रण करना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य किया जाएगा। मौके पर कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। देखिए चैलेंजिंग बहुत है, चैलेंज बहुत है। अपराध नियंत्रण और लोगों से समन्वय स्थापित करके अच्छी पुलिसिंग कोशिश हम लोग करेंगे। सभी थाना प्रभारी को भी हम लोग बुलाए हैं कि लोगों के साथ मिल करके भयमुक्त बिल्कुल अभी जैसे दशहरा पूजा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई बात ना हो, इसको लेकर के बिल्कुल हम लोग मेहनत करेंगे और लोगों के साथ मिल करके किसी भी तरह की समस्या हो तो उसका बिल्कुल हम लोग निदान करेंगे। लोगों से हम अपील करेंगे, सभी से, गिरिडीह की जनता से, कि किसी भी तरह का अफवाह या किसी भी तरह की चीज़ें हों तो तुरंत पुलिस के संज्ञान में लाए, त्वरित कार्रवाई की जाएगी और हम लोग तुरंत उसका निपटारा करेंगे और सभी के सहयोग से हम लोग अच्छा पुलिसिंग करने का काम करेंगे। देखिए आप चूँकि पहले से काम करने का एक फ़ायदा होता है कि क्षेत्र में किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह का अपराध है, उसको पहले से पता होता है, इसका फ़ायदा मिलना चाहिए और हम लोग बिल्कुल उसका चाहेंगे कि लोगों को फ़ायदा हो, कि लोग सीधा कम्युनिकेट कर पाए लोगों से, किसी भी तरह की दिक्कत हो, किसी भी तरह की समस्या हो, बिल्कुल आम जन के साथ मिल करके कि पुलिस से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका हम लोग त्वरित निपटारा करने का कोशिश करेंगे। भयमुक्त वातावरण हम लोग बिल्कुल स्थापित करेंगे कि किसी को कोई दिक्कत नहीं। दुर्गा पूजा के समय में चूँकि भीड़ काफ़ी होती है, श्रद्धालु बिल्कुल महिलाएं मंदिरों में आती हैं, हमारा दुर्गा पूजा पंडाल जहाँ पे रहता है वहाँ आते हैं, बच्चे आते हैं, उसको लेकर के कई बार देखा गया है कि कुछ बाहर के लोग भी आ जाते हैं जिसमें छोटी मोटी चेन चलते हैं। इसको निगरानी रखने के लिए बिल्कुल वहाँ पे जो भी समितियाँ हैं, पूजा समितियाँ हैं, उनके द्वारा सीसीटीवी कैमरास और बाकी अच्छे से इंस्टॉल किए गए होंगे और पुलिस के तरफ से भी हम लोग सिविल में लोग रखेंगे कि बिल्कुल निगरानी रखें कि कहीं कोई इस तरह की घटना नहीं हो, बिल्कुल सख्ती से उस पर निपटा जाएगा, कोई भी इस तरह का तत्व वहाँ पर पाया जाएगा। सर अक्सर देखिए महिला सुरक्षा हम लोग के टॉप प्रायोरिटी में है, सबसे ऊपर की प्राथमिकता है कि महिला सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट यहाँ पे पुलिस रहेगी कि कहीं भी इस तरह की घटना होती है कड़ी कार्रवाई होगी और उसको सुरक्षा देने के लिए हम लोग हर संभव पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह का महिला से संबंधित अपराध नहीं हो। सोनबाद पंचायत के मुखिया चमेली देवी के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर बनाने के मामले को लेकर बिंगाबाद थाने में शुक्रवार 2 बजे आवेदन दिया गया। बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी मोहर बनाकर वंशावली बनाकर जमीन बेचने का मामला सामने आया है, जिसका बिंगाबाद मुखिया संघ ने एक्शन लेते हुए बिंगाबाद थाना में आवेदन कर जाँच पड़ताल कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग किया है। मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल ने बताया कि बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाद पंचायत अंतर्गत बलको व पतारी गांव एक जमीन को बिक्री करने में मुखिया का फर्जी मुहर व फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी जमीन बेचा गया है। उन्होंने इसका कागजात में हस्ताक्षर नहीं किया है। उन्होंने बेंगाबाद थाना में आवेदन कर जांच पड़ताल कर दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर मुख्य रूप से विजय सिंह, सुरेंद्र सोरे, महेंद्र चौधरी, मुन्ना वर्मा, रमेश बेसरा आदि मौजूद थे। Thank you.
उत्पाद विभाग ने मुफस्सिल थाना पुलिस के सहयोग से गडरमा और जो भी गांव में शुक्रवार सुबह 10 बजे मोहर शराब के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 400 लीटर मोहर शराब नष्ट करने के साथ 12,000 किलो जावा महुआ को जब्त किया गया। उत्पाद विभाग ने मुफस्सिल थाना इलाके में गडरमा और जो भी गाँव में ताबड़तोड़ अभियान चलाकर मोहर शराब को नष्ट कर दिया। हालांकि जानलेवा शराब के धंधेबाज फरार होने में सफल रहे, लेकिन दोनों टीम के जवानों ने इस दौरान चूल्हा नष्ट करने के साथ बर्तन और कई डिब्बे को जब्त किया। जिला परिवहन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भाकपा माले नेता राजेश सिन्हा ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे डीसी ऑफिस में उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही इन्होंने सदर हॉस्पिटल, खाद्य आपूर्ति विभाग, सदर प्रखंड, बेरदार प्रखंड, रजिस्ट्री कार्यालय, भवन निर्माण कार्यालय, पीएसडी विभाग, माइनिंग ऑफिस, गिरिडीह नगर निगम आदि कार्यालयों में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा कि एक एक कर भाकपा माले के द्वारा इन कार्यालयों में जन सुनवाई कार्यक्रम लगाई जाएगी। कहा कि जिला परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ 2 दिनों के अंदर जांच नहीं की जाती थी तो आंदोलन किया जाएगा। आवेदन देने वालों में नौशाद आलम के अलावा कई लोग शामिल थे। लोग आए थे, डीसी कार्यालय आए थे यहाँ पे और डीटीओ कार्यालय भी आए। उसमें हम लोग अभी आवेदन दिए हैं कि डीटीओ ऑफिस में जो सरकारी रेट है, सरकारी जो फी है, एक 500 रुपये का कटता है और दूसरा जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे का प्रोसेस बढ़ते हैं तो 1,000 का कटता है। तो सरकारी जो फी है वो है 1,500, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक अलग से फॉर्म रखे हैं लोग ऑफिस में और उस फॉर्म का 2,500 अलग से फिर लगता है। अगर आप उस फॉर्म को भरते हैं तो 2,500, मतलब कि आपको देना है पहले सरकारी जो रेट है 1,500 है और अलग से 2,500 कैश दीजिए, तो 4,000 हो गया। इसके बाद और भी अलग अलग कैश दीजिए, 5,000-6,000 करके लेते हैं। इस पर आपत्ति भाकपा माले के कई साथियों ने उठाया, लेकिन बहुत ज़्यादा संज्ञान में नहीं लिया जा रहा। तब जाकर शिकायत हमारे पास आई है और इस शिकायत के बाद हमने डीटीओ जो है उनसे बात करने का प्रयास किया। 4 दिन पहले फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि हम बाहर हैं, वो सच में बाहर थे। आज हमने फिर से कॉल किया और कॉल करने के बाद वो बहुत रिस्पांस नहीं लिए, अर्थात अगर इस प्रकार से कार्य हो रहा है तो एक तरह से सबसे पहले तो हम जो उनके अफसर हैं उनसे बात करते हैं और उसके बाद यदि संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम फिर आंदोलन के तरफ रुख करते हैं। तो हम 2 से 4 दिनों के अंदर, मैंने दशहरा से पहले जैसे बिजली विभाग में किए थे, उसी प्रकार यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो प्रॉब्लम में है, जिनको नहीं बन रहा है लाइसेंस, जिनको नहीं यहाँ दिक्कतें हो रही हैं, उनको आह्वान करते हैं कि वो आइए, 1 से 2 दिन में हम आपको डेट देंगे और डेट देने के बाद फिर हम यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से जो हो रहा है उस पर बात करेंगे और उसको सुधारने का काम करेंगे। आज हमने उपायुक्त महोदय को एक लेटर दिया है, निश्चित तौर पर हम कहेंगे उपायुक्त महोदय के संज्ञान में आने के बाद सुधार होगा। और जाँच कराने की बात है, हम तो अचानक अगर आप जांच करिए, क्योंकि इसके बाद वो अलर्ट हो जाएंगे, तो निश्चित हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे विभाग में, चाहे वो खाद्य आपूर्ति विभाग हो, चाहे वो आप चले जाइए रजिस्ट्री ऑफिस हो, चाहे चले जाइए ब्लॉक हो, और जहाँ पे डायरेक्ट जनता का कनेक्शन रहता है उस जगह पे, सभी जगहों पे भाकपा माले बड़ा आंदोलन करेगा। और ये जागरूक जनता पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने शुक्रवार को 10 बजे दिन में बुढ़ियाडी समेत अन्य स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मंझलाडी, सकीना होटल, स्टेशन रोड और कमलजोर में भी जनसंपर्क किया गया, जिसमें राधा स्वामी संगठन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बताया गया कि जागरूक जनता पार्टी राधा स्वामी संगठन का राजनीतिक मंच है। प्रत्याशी अनीशा सिन्हा ने यह भी कहा कि आज राधा स्वामी संगठन के माध्यम से लगातार 15 वर्षों से समाज सेवा करती आ रही हूं। हमारे संगठन के माध्यम से अपने गिरिडीह क्षेत्र में राधा स्वामी संगठन कन्यादान योजना के तहत
हजारों बच्चियों के विवाह में सहयोग किया गया है। कई बच्चों के शिक्षा में संगठन सहयोग कर रही है, साथ ही आवास भी बनाकर संगठन के द्वारा दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में संगठन के द्वारा गांडे विधानसभा क्षेत्र और गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क कोचिंग संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, ताकि एक शिक्षित समाज का निर्माण किया जा सके। साथ ही संगठन के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर महिलाओं को रोजगार मिल जाए तो घर की कुछ परेशानी कम की जा सकती है। इस मौके पर संगठन के नगर जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि संगठन हर एक क्षेत्र में कार्य कर रही है। संगठन अपने क्षेत्र के बच्चों, युवाओं, पुरुषों और महिलाओं सभी के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। कार्यालय प्रभारी अमित कुमार ने मौजूद ग्रामीणों से संगठन से जुड़कर संगठन के विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर संगठन के प्रतिनिधि पूनम देवी, सुंदरी देवी, मालती देवी, बेबी देवी, नाहिद परवीन, राधा कुमारी, रोशन कुमार, बिट्टू कुमार के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। साथ ही अनिशा सिन्हा ने यह भी कहा कि एक बार जनता हमें सपोर्ट करे, ताकि सभी के घर को, अपने क्षेत्र को, गिरिडीह जिले को बदल सकूं। और साथ में यह भी कहा कि हम जीतेंगे तो हमारी जीत नहीं, जनता की जीत होगी। नमस्कार, मैं नगर अध्यक्ष राधा स्वामी संगठन सुबोध सिंह। मैं आज अनिशा सिन्हा जी, राधा स्वामी संगठन की जिला प्रभारी सह जागरूक जनता पार्टी की भावी प्रत्याशी के कार्यक्रम में मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला, और मैं कार्यक्रम में कमल जोर, सकीना गेस्ट हाउस और बुढ़िया आदि, इन तमाम जगहों पर जो जनता का बुलावा था कि आप मैडम आइए और राधा स्वामी के कल्याणकारी योजनाओं को हम तक जानकारी दीजिए, तो देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि जनताओं की उमड़ती हुई भीड़, ऐसा लगता है कि भावी प्रत्याशी को इस बार आशीर्वाद मिलने वाला है। और यदि आशीर्वाद अनिशा सिन्हा को गिरिडीह विधानसभा में मिलता है तो इनकी इच्छा है कि हम गिरिडीह को मॉडल विधानसभा के रूप में झारखंड के पटल में पेश करूँ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे समाजसेवी को जो लगातार 15 वर्षों तक जनताओं की सेवा करती रही हैं राधा स्वामी संगठन के माध्यम से, ये अवसर एक बार इन्हें मिले और गिरिडीह के जनता दे, मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ। जय राधा स्वामी संगठन। पीटाण के मधुवन में भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के द्वारा शुक्रवार 1 बजे दिन में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस मौके पर हाड़ी बस्ती में घर घर जाकर सैकड़ों लोगों से जनसंपर्क कर समस्याओं से श्री सिंह अवगत हुए। बाद में विनोद हाड़ी के घर पर बैठक किया गया, जिसमें हाड़ी समाज के 15 लोग भाजपा में शामिल हुए। साथ ही बैठक में शामिल महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस क्रम में विनय कुमार सिंह ने केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दिया। पाया गया कि बस्ती में पानी आपूर्ति हेतु पाइप बिछाया गया है, जो जगह जगह पर लीकेज होने के कारण पानी आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। साथ ही बस्ती के किनारे लगभग 20 फीट नीचे नाला प्रवाहित है, जहां गार्ड वॉल का निर्माण नहीं होने से बच्चों को गड्ढे में गिरने की संभावना बनी रहती है। कहा कि इसकी सूझबूझ लेने के लिए हेमंत सरकार का कोई जनप्रतिनिधि बस्तियों में जाकर स्थिति का जायजा नहीं ले रहे हैं। मौके पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अरविंद चंद्र राय, अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान, आकाश हाड़ी, श्याम हाड़ी, शशि सिंह, दामोदर गुप्ता, दिलीप कुमार, अनिल तुरी, दीपक कुमार हाड़ी, झब्बू हाड़ी, दुर्गा हाड़ी, रवि हाड़ी, रीता कुमारी, ज्योति कुमारी, छोटी देवी सहित दर्जनों पुरुष, महिलाएं एवं नवयुवक शामिल थे। गिरिडीह विधानसभा के पीटाण प्रखंड अंतर्गत मधुबन के शिखर जी हाड़ी टोला में हम लोग हैं, और यहाँ पर लगभग 40-50 घर हाड़ी समाज के हैं, जो बिल्कुल ही निहायत गरीब परिवार है। और यहाँ घर घर जाकर करके हम लोगों ने यहाँ देखा तो यहाँ लोगों की काफ़ी जीवन
जिंदगी काफ़ी दयनीय स्थिति में हो रही है, छोटे छोटे घरों में है। और अभी हम लोग विनोद जी के घर पर हैं, यहाँ पर विनोद जी ने सबको ये किया, आकाश जी भी आए हैं, श्याम जी भी आए हैं, तो ये सारे लोग, गुप्ता जी भी हमारे मित्र यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को सबके बीच आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाइए और निश्चित रूप से गरीबों का कल्याण मोदी जी के नेतृत्व में होगा। इसके लिए जितने भी लोग भाजपा में शामिल हुए उसको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभा के पीरटांड प्रखंड में मधुबन शिखर जी आढ़ी टोला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता श्री विनय सिंह जी एवं भारतीय जनता पार्टी के नगर के और सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, लेकिन सेंट्रल की जो योजना है वो जेएमएम यहाँ पहुँचने ना देती है और ना इन लोग का विकास होता है। इसलिए हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सभी को आह्वान किए कि आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए ताकि इन गरीबों की समस्या दूर हो। और इन्होंने सभी आश्वस्त किए कि आने वाला विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का होगा और सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह सरकार बनेगा, तभी विकास होगा। मैं सर से यही मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हम लोग की जो समस्या है, जैसे पानी का समस्या है, डगाल का जो समस्या है, शौचालय का समस्या है, मैं सर से और मैंने कोई भी प्रतिनिधि आवे हमारी समस्या को दूर करे तो हम लोग उसके साथ समर्थन करेंगे। जैसे सर आए आज पूरा हाड़ी समाज सर को, विनय कुमार सिंह को हम लोग समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पर पानी का कमी होने के कारण और यहाँ नाला बनाना है, शौचालय की नहीं है, ये सब सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए। इसीलिए हम लोग सर का भी हम सर से अपील कर रहे हैं। तो अपील करते नगर निगम और पुलिस बल के सहयोग से शहरी क्षेत्र में भीड़ से निजात दिलाने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। उपनगर आयुक्त ने किया इसका नेतृत्व। पूजा को लेकर सुबह से देर शाम तक बाजारों में है काफी चहल पहल। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के द्वारा छोटी सी मुस्कान कार्यक्रम के तहत पीएसएम स्कूल में किया गया कन्या पूजन। नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए बच्चियों को खिलाया गया महाप्रसाद, भेंट किया गया उपहार। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में आईक्यूएसी के तत्वाधान में दुर्गोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन। हर नारी में दुर्गा विषय पर आयोजित था यह कार्यक्रम। नारी शक्ति का देखने को मिला रूप। बरवाड़ स्थित पुराना पुलिस लाइन में 31वें सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में जितवाहन उराव ने दिया अपना योगदान। कोडरमा से गिरिडीह इनका हुआ स्थानांतरण। पहले भी सदर एसडीपीओ के रूप में दे चुके हैं अपनी सेवा। और सोनबाद पंचायत की मुखिया का फर्जी हस्ताक्षर और मोहर बनाने का मामला आया सामने। बेंगाबाद मुखिया संघ ने थाना में दिया आवेदन। जल्द से जल्द दोषियों के ऊपर कार्रवाई की हुई मांग। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।